हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आर अकेडमी एन अकेडमी। माय नेम इज निशांत, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम दोबारा एक बिग अपडेट के साथ आ चुके हैं जो कि दिल्ली सरकार ने दिया है, और देखते हैं वो बिग अपडेट क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस किस स्टेज पे आ चुका है और भारत में लॉकडाउन भी चल रहा है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि स्टडी के मामले में बहुत सी परेशानियाँ आई हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सी परेशानियाँ फेस कर रहे हैं। तो उसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ट्वीट है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू होंगी। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है हर स्टूडेंट्स के लिए। अप्रैल के पहले हफ्ते से 12वीं के बच्चों को शिक्षक ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास के जरिए पढ़ाएंगे। थोड़े दिन बाद इसी तरह 10वीं के बच्चे को भी क्लास शुरू होगी। 8वीं तक के लिए भी ऑनलाइन में फ़ोन से एक्टिविटी क्लास होगी। जो ये ट्वीट है, ये मनीष जी ने किया है और ये आज ही का ट्वीट है। तो बात करते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है और शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके अभी सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन प्राप्त करें। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि फर्स्ट टू एट्थ क्लास स्टूडेंट्स विल प्रमोट। ओके, मींस जैसे कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कारण बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी नहीं हो पाए हैं स्टूडेंट्स के, या अगर एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कराया, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट टू एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। आगे बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट है अपना, गवर्नमेंट विल सेंड आ एक्टिविटी एवरी डे टू दी क्लासेस फर्स्ट टू एट्थ टू कंटिन्यू देयर स्टडी बाय एसएमएस। मींस जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो फर्स्ट टू एट्थ तक के क्लास हैं स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रखें। इसके लिए उन्होंने क्या करा है कि एक एक्टिविटी लाए हैं जो कि एसएमएस या फिर रिकॉर्डेड कॉल के जरिए स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी, और स्टूडेंट्स अपने फादर मदर, अपने गार्जियन, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग से साथ उस एक्टिविटी को करेंगे और उसको जो एक्टिविटी मिलेंगी वो मिलेंगी एसएमएस या फिर कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए। अगर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है दे हैव टू कीप देयर ऑल द एक्टिविटी एज असेसमेंट बाय विच दे विल गेट द मार्क्स। मींस जो ये एक्टिविटी उनको एसएमएस पे आएगी या कॉल रिकॉर्डिंग पे आएगी, उनको ये सब एक रिपोर्ट में रेडी रखना है, क्योंकि ये हेल्प करेगा जब भी उनके स्कूल खुलेंगे तो ये इंटरनल मार्क्स में इनको मार्क्स दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है, क्लास टीचर विल ऑल्सो इन द टच विद देयर स्टूडेंट्स बाय फोन कॉल्स। इस दौरान हर क्लास टीचर को अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनके साथ इंटरेक्शन में रहना है बाय द फोन कॉल्स। फर्स्ट एट्थ क्लास तक की अब बात करते हैं कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्या न्यूज़ है जो 12th में अपीयर होने जा रहे हैं 1st of April से। तो फर्स्ट पॉइंट है कि दे कैन कंटिन्यू देयर स्टडी बाय ऑनलाइन क्लासेस विच आर गोइंग टू अरेंज बाय दिल्ली गवर्नमेंट। मींस वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं बाय ऑनलाइन क्लासेस। बहुत ही गुड न्यूज़ है कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। 12th वाले बच्चों पे इसलिए खास ध्यान दिया गया है क्योंकि आप जान सकते हैं कि इनके बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इसीलिए कि जो उनको क्लासेस होंगी वो अरेंज की जाएंगी ऑनलाइन क्लासेस विच आर गोइंग टू अरेंज बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, अब देखते हैं कि क्लासेस कैसे अरेंज की जाएंगी, क्या प्रोसेस है, ऑल द थिंग्स। तो जो सेकेंड पॉइंट है, फॉर ऑनलाइन क्लासेस द दिल्ली गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ इंटरनेट प्लेटफॉर्म बाय अ लिंक वेयर स्टूडेंट्स हैज टू रजिस्टर। तो जो ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, इनके लिए जो भी 12th क्लास में स्टूडेंट्स हैं या जा रहे हैं, उनको क्या करना होगा कि एक उनको इंटरनेट प्लेटफॉर्म का लिंक दिया जाएगा जिस पे जाके उनको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। आगे का प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट विल ऑल्सो गेट द मनी ऑफ फॉर डाटा पैक। जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स की कोई इतनी इनकम नहीं होती या उनका इतना कोई सोर्स नहीं होता, तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या करा है कि उनको एक डाटा पैक भी प्रोवाइड करेगा या उसकी मनी प्रोवाइड करेगा। इफ़ देयर विल बी एनी फर्दर नीड, सो क्लासेस कैन ऑल्सो टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन ऑल्सो। अगर कुछ ज़्यादा नीड हुई या फर्दर इन्फॉर्मेशन के कारण, मतलब और ज़्यादा कुछ नीड हुई, तो क्या होगा कि जो आपकी स्टडी है वो टेलीविज़न पर भी टेलीकास्ट की जा सकती है। देयर विल बी टू सब्जेक्ट क्लासेस पर डे, मतलब कि जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट तो ये निकल के आया कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सेकेंड पॉइंट, जो उनकी ऑनलाइन क्लास फॉर्म होंगी जिसके लिए उनको रजिस्टर करना होगा। थर्ड पॉइंट, उनको एक डाटा पैक मिलेगा या उसके पैसे मिलेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट, देयर विल बी टू सब्जेक्ट क्लासेस पर डे, तो मतलब पर डे उनकी दो सब्जेक्ट क्लासेस होया करेंगी। तो ये थी हमारी पूरी न्यूज़। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।